सब्सक्राइब कीजिए अनरिडल चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं जिससे आप कोई भी अगला रिडल या पहेली मिस ना कर पाए। मिस्टर राज की उनके घर पे डेड बॉडी मिलती है। मेहुल पुलिस के साथ घटनास्थल पे पहुंच जाता है। घर को देखते हैं तो समझता है कि वहां पे कल रात कोई पार्टी चल रही थी और मिस्टर राज का जन्मदिन था। मेहुल डेड बॉडी के आसपास की चीजों पे ध्यान देके समझने की कोशिश करता है कि वह मर्डर है या सुसाइड है। देख के तो वह सुसाइड लग रहा था क्योंकि मिस्टर राज के हाथ में बंदूक थी, लेकिन मेहुल समझ जाता है कि यह सुसाइड नहीं एक मर्डर है। कैसे मेहुल को कैसे समझता है कि एक मर्डर है? क्या आप इस सीन को देख के बता सकते हैं? कमेंट कीजिए आप क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। टेबल पे रखे एक कागज, पेन और टेबल लैंप को ध्यान से देखिए। उससे समझता है कि मिस्टर राज एक लेफ्टी थे क्योंकि पेन लेफ्ट में और लैंप राइट में रखा हुआ है। पार्टी में आए सभी लोगों को डिटेक्टिव मेहुल घर पर बुलाता है और पूछताछ करता है। राज की बहन बताती है कि हमने करीब 8 बजे पार्टी शुरू की थी। सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। 9 बजे के करीब हमने केक काटा और उसके बाद से राज गायब हो गया था। हमने बर्थडे पे कुछ पिक्चर्स भी लिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। 8:30 बजे का पिक्चर। 9 बजे का पिक्चर। 9:30 बजे का पिक्चर। इन पिक्चर को मेहुल ध्यान से देखता है और मर्डर की लोकेशन पे वापस जाता है और तुरंत मर्डरर को पकड़ लेता है। कैसे मेहुल को कैसे समझता है कि मर्डरर कौन है? क्या आप इन पिक्चर्स को देख के बता सकते हैं? नौ बजे की और 9:30 के पिक्चर को ध्यान से देखिए। काका की टाई 9:30 वाले पिक्चर में मिसिंग है और अगर आप मर्डर लोकेशन पे देखेंगे तो वहां पे काका की टाई पड़ी हुई है, इसलिए डिटेक्टिव मेहुल को समझ जाता है कि खून काका ने किया है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कुशल के सामने 8 स्टेयर्स आ गए। कुशल दिन में 3 स्टेयर्स चढ़ता और रात में 2 स्टेयर्स नीचे आ जाता, तो आप बताइए कुशल को ऊपर तक चढ़ने के लिए कितने दिन लगेंगे? समय के लिए वीडियो को पॉज कीजिए। कुशल दिन में 3 स्टेयर्स चढ़ता और रात को 2 स्टेयर्स नीचे आ जाता, मतलब एक दिन में वो एक ही स्टेयर चढ़ पाता, तो 5 दिन में वो 5 स्टेयर्स तो चढ़ लेगा। 6th डे पे जब वो 3 स्टेयर्स चढ़ेगा तो वह ऊपर आ जाएगा, तो टोटल कुशल को 6 दिन लगेंगे ऊपर आने के लिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके सामने अब 4 ग्लासेस रखे हुए हैं। इनको आप ध्यान से देखिए और बताइए किसमें सबसे ज्यादा पानी है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। पिन वाले ग्लास में सबसे ज्यादा पानी है। जितना वेट पानी में जाता है उतना ही पानी ऊपर आता है। पिन सबसे हल्का है, मतलब सबसे कम पानी उसी में ऊपर आएगा, फिर भी उसमें पानी बाकी ग्लासेस के बराबर है, मतलब उसमें सबसे ज्यादा पानी है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं, अगर नल से हमेशा पानी आता रहेगा तो कौन सा टैंक सबसे पहले भरेगा? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। आंसर 3 और 4 दोनों साथ में भरेंगे। 3 पहले 4 के पाइप तक के भर जाएगा, उसके बाद टैंक 4 भरना शुरू हो जाएगा। जब टैंक 4 भी उसके पाइप जितना आ जाएगा तो उसके बाद से 3 और 4 दोनों साथ में भरना शुरू हो जाएंगे और दोनों साथ में फुल होंगे।
चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बिजनेसमैन का मर्डर हो जाता है। मर्डर की तहकीकात करने डिटेक्टिव कुशल को बुलाते हैं। पूरा रूम बिखरा पड़ा रहता है। देख के लगता है कि मर्डरर और बिजनेसमैन के बीच कुछ हाथापाई हुई है। कुशल डेड बॉडी को फॉरेंसिक जांच के लिए डॉक्टर यश के पास भेजता है। डॉक्टर कुशल को फोन लगाता है और बताता है कि बॉडी को देख के लगता है कि दोनों के बीच में हाथापाई हुई है और जो ब्लड सैंपल्स मिले हैं वो दो लोगों के हैं। कुशल उस टाइम घर पे जो जो रहता है सबको पूछताछ के लिए बुलाता है। घर पे उस टाइम पे मेड, कुक और गार्डनर थे। मेड, सर मैंने एक आदमी को सर के रूम से भागते हुए देखा, उसने ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी। कुक, मैं उस टाइम खाना बना रहा था, मैंने किचन के दरवाजे से एक आदमी को भागते हुए देखा, उसने ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ था। गार्डनर, मैं उस टाइम गार्डन में था और मैंने एक आदमी को बाहर भागते हुए देखा, उसने कैप पहना हुआ था, मैं बस इतना ही देख पाया। पुलिस ने खून के तुरंत बाद ही कुछ सस्पेक्ट्स को पकड़ लिया था। उनको कुक, मेट और गार्डनर के सामने लेके आते हैं। वो तीनों नहीं पहचान पाते कि खूनी कौन है, लेकिन जब कुशल इन सस्पेक्ट्स को देखता है तो तुरंत खूनी को पकड़ लेता है। कैसे? कुशल को कैसे समझा खूनी कौन है? क्या आप इन लोगों को देख के बता सकते हैं खूनी कौन है? सारे सबूतों को ध्यान से देखने के लिए आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। जरूर कमेंट कीजिए आपको क्या लगता है चारों में से खूनी कौन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्लूज है ब्लैक पैंट, ब्लू शर्ट, कैप एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्लू है दो ब्लड सैंपल्स। खूनी और बिजनेसमैन के बीच हाथापाई हुई और दो लोगों के ब्लड सैंपल्स मिले, मतलब खूनी को कहीं ना कहीं बैंडेज लगा हुआ है। ये चारों चीजें जो है नंबर 3 से मैच होती है, इसलिए खूनी नंबर 3 है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके सामने 3 कैप्स रखे हुए हैं। मैं पहले कैप के नीचे अब ये बॉल रख रहा हूं। अब मैं कैप्स को घुमाऊंगा, आपको बताना है बॉल कौन से कैप के नीचे है। लेट्स स्टार्ट। आंसर देखने से पहले जरूर कमेंट कीजिए बॉल किस कैप के नीचे है। और इसका जवाब है कैप 2। बॉल कैप 2 के नीचे है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं इसमें कितने 7 हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। इसमें 7-7 है, 6-7 अंदर है और 1-7 बड़ा वाला बाहर है, तो टोटल हो गए 7। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं दोनों में से कौन मरेगा, ए या बी? आपका आंसर कमेंट कीजिए। इसमें या दोनों मरेंगे या दोनों बचेंगे, क्योंकि अगर बी हटने की कोशिश किया तो ए उसे गोली मार देगा और जैसे ही ए उसको गोली मारेगा ए खुद भी गिर जाएगा, इसीलिए या दोनों मरेंगे या दोनों बचेंगे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं इनमें सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, ए, बी, सी या डी? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर देखेंगे हम अगले वीडियो में। ऐसे और पहेलियों के लिए जल्दी से हमें सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.